वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं सेल्फ अभिषेक बिना किसी देर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो आज हमारे सामने खड़ी है ड्यूक 200। सो भाई मैं पांच ऐसे रीजंस मुझे लगे जो KTM को थोड़े से और अपने अंदर इंप्रूव करने चाहिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि भाई ये अगर इंप्रूव कर लेंगे ना तो और अच्छा, मतलब इसकी जो सेल्स है ना वो बढ़ जाएगी। ओके, बाकी मेरी पर्सनल कोई हेट नहीं है KTM से, मैं पहले ही कह दूँ मेरी पर्सनल कोई भी हेट नहीं है KTM से, बट मेरे को जो चीज़ें लगी ना वो मैं आपको बता देता हूँ यार। ओके, सो वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाई ग्राउंड क्लियरेंस। तो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में कहीं ना कहीं कम है वो मैं मानता हूँ, क्योंकि भाई आप अभी ये टाइल्स पे खड़ी है नॉर्मल, जब आप इस मतलब इसको नॉर्मल सड़क पे लेके आएंगे तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसकी काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगी। भाई ये देखो भाई, मतलब है यार कम है ग्राउंड क्लियरेंस। अगर इन केस आप सिंगल बैठे हो और आप किसी स्पीड ब्रेकर से जा रहे हो तो शायद ही लगेगी, बट अगर आप भाई किसी पिलियन को बिठा के जा रहे हो ना और जिसका वेट थोड़ा 50 से 55 मतलब ऊपर है, थोड़ा 50 से ऊपर है, तो भाई पक्का नीचे ही टच होगी। सो ये ग्राउंड क्लियरेंस का है ना जो काफ़ी मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये जो मतलब कि ये जो एग्जॉस्ट है ना भाई, थोड़ा सा पहले जैसे BS3 में आता था ना पीछे से निकल के वैसे ही कर देता तो ज़्यादा बेटर रहता। बाकी है ना ये चीज़ है ना थोड़ी सी वो है भाई कि ग्राउंड क्लियरेंस पे है ना गाड़ी कहीं ना कहीं अड़ती है, क्योंकि ये दे रखा है वैसे तो प्रोटेक्टर, बट फिर भी कहीं ना कहीं गाड़ी अड़ेगी भाई। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगी कि यार हाँ देखनी चाहिए थोड़ी सी। ओके, ग्राउंड क्लियरेंस। अभी बात करते हैं सेकेंड चीज़ की, वो है भाई इसकी सेल एंड सर्विस। तो भाई सेल्स एंड सर्विस की मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई थोड़ी मतलब कि एक नॉर्मल आप अगर बाइक ले रहे हो तो भाई आपको ना थोड़ा सा मतलब सेल सर्विस का इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि भाई आपको ना इसकी थोड़ी महंगी पड़ सकती है सर्विसेज वगैरह और बॉडी पार्ट्स वगैरह, क्योंकि इसके भाई है कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ की कंपनी नहीं है KTM की, मतलब KTM है ये और ऑस्ट्रिया की कंपनी है ये, यहाँ की इंडिया की कंपनी नहीं है। सो इसीलिए भाई इसके थोड़े पार्ट्स वगैरह जो है वो आपको कॉस्टली पड़ सकते हैं और सर्विस मेंटेनेंस वगैरह भी आपको थोड़ा हैवी पड़ सकता है इसका। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं लगी, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस और एक इसके सेल्स एंड सर्विस का, क्योंकि भाई वो आपको कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है भाई। ओके, अभी बात करते हैं यार थर्ड रीज़न की, वो है भाई इसका मीटर। तो भाई मीटर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीटर भाई अभी तक कोई खास अपडेट नहीं करा है। जो पहले वाला मीटर आता था ना सेम डेट तो वही वाला आपको मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो भाई जो BS3 में मीटर आता था ना BS4 में, वही आपको मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक कोई भी मेजर चेंज नहीं करा है मीटर के अंदर, बस लाइट चेंज करी है लाइट के छोड़कर और कुछ भी अभी खास कोई चेंज नहीं करा है। मीटर जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक बहुत ही बड़ी चीज़ रह गई है इसमें मिसिंग, क्योंकि अभी बाइक में लगभग सब कुछ ही चेंज कर दिया गया है बट फिर भी अभी तक मीटर कोई चेंज नहीं करा है। मीटर जो है वो पहले वाले ही आता है, क्योंकि RC 200 में भी अभी पूरा मीटर TFT कर दिया है, नॉन कलर्ड कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम TFT डिस्प्ले तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट इसके अंदर आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा भाई। वो जो पहले वाला मीटर आता था ना वही वाला मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगी कि यार ये चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए KTM को। तो और अगर नॉन कलर TFT डिस्प्ले भी दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कलर्ड ही दो, क्योंकि ड्यूक 250 में भी अभी तक कोई खास चेंज नहीं है मीटर के अंदर, वही पहले वाला जो चीज़ थी वही मीटर है ये वाली चीज़ भाई। ओके, अभी बात करते हैं यार फोर्थ चीज़ की, तो वो है भाई अपनी प्राइस। सो भाई प्राइस जो है वो हाइप होती जा रही है, 2,29,000 की आ गई प्राइस। अभी मैं जब लास्ट टाइम गया था तब 2,20,000 की थी, बट अभी 2,29,000 कर दिए हैं, मतलब अप्रॉक्स 30 ही मान लो, एक बार आप राउंड फिगर करोगे तो 2,30,000 की। तो भाई कहीं ना कहीं ये चीज़ ना यार मतलब प्राइस बढ़ती जा रही है और इतने चेंजेस हो नहीं रहे। तो चेंजेस क्या करें, सिर्फ थोड़ा सा पावर रिफाइनमेंट कर दिए और LED लाइट की जगह हेलोजन लाइट की जगह LED लाइट कर दिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ है कि यार मतलब अभी थोड़ा सा और इसको प्राइस को थोड़ा कम करना चाहिए, जिससे थोड़ा अफोर्डेबल हो मिडिल क्लास के लिए भी, और मतलब जिसको शौक है KTM का एक बार रखने का तो उसका वो थोड़ा ड्रीम पूरा हो सके। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगी कि यार प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो चार ऐसे रीज़न थे जो मैंने आपको बताया, पहला ग्राउंड क्लियरेंस, सेकंड सेल्स एंड सर्विस, अभी थर्ड मैंने बताया आपको प्राइस, और फोर्थ मैंने बताया आपको मीटर अपडेट। सो चार ऐसे रीज़न मुझे लगे कहीं ना कहीं जो KTM को अपने अंदर इम्प्रूव करने चाहिए, जिससे और अच्छा यंगस्टर्स वगैरह इसके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो यही रीज़न थे यार जो मुझे लगे कि कहीं ना कहीं इम्प्रूव करनी चाहिए ये। बाकी तो ओवरऑल गाड़ी काफ़ी अच्छी है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें और ना मेरी कोई पर्सनल हेट है KTM से। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे बाय। अगर आपको इसका रिव्यू वीडियो भी देखना हो तो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाके मैंने पोस्ट कर रखा है। ओके।